नाज़रीन दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ईरान में एक इंतहाई दिलचस्प इलेक्शन एक रोज़ में होने वाले हैं। पाकिस्तान में बजट की आमद आमद है और बहुत ज़्यादा जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम है वो यकीनी तौर पे बजट ही पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता जाऊँ कि एक करंट अफेयर्स के एंकर की हैसियत से हर दफ़ा मुझे अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है कि वो कौन सा मौजू है, वो कौन सा मसला है जिस पर अगर एक सीर हासिल बहस की जाए तो कौमी मुफाद को, पब्लिक इंटरेस्ट को बेहतर से बेहतर तौर पर मीडिया के प्लेटफॉर्म से सर्व किया जा सकेगा। और इसी वजह से आज मैं अपने दुनिया टुडे के प्रोग्राम में फोकस करूँगा एक रोज़ पहले होने वाले पेशावर में दहशतगर्दी के, पेशावर पीसी में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है उस पर। और उसकी वजह महज ये नहीं है कि ऐसा हर होने वाला हमला हमें दुख, गम, खौफ और दहशत की एक फजा में छोड़ देता है, बल्कि उससे भी भड़के जब पाकिस्तानी रियासत की बेबसी और हेल्पलेसनेस इस तरह से एक्सपोज होती है तो पूरी दुनिया के सामने, हमारे दोस्तों के सामने, हमारे दुश्मनों के सामने हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी एक्सपोज होती है। और वो हमारे बारे में जो फैसले करते हैं, जो पॉलिसीज वज़ह करते हैं, वो इसी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को सामने रख के करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कई सालों से ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद पाकिस्तानी रियासत ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव या ऐसे प्रोसीजरल कोई हिकमत अमली वजह क्यों नहीं कर पा रही कि दहशतगर्दी का एक बेहतर तौर पे मुकाबला कर सके। ये वो बुनियादी सवाल है, ये वो बुनियादी मसला है जिसके साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं अकरम शेख साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के प्रेजिडेंट रह चुके हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, एक्स सेक्रेटरी हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज फाटा के, और मुझे कराची से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं जमील यूसुफ साहब, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, सिटीजन पुलिस लेजन कमेटी के साथ इनकी वाबस्तगी रही, वही इनकी वजह शोहरत है। और मैं ये भी यहाँ पे बताता चला जाऊँ कि मेरे तीनों गेस्ट्स की जो मुनासबत है, उनकी जो आज प्रेजेंस है, उसकी क्या सीक्वेंस है, क्या फॉर्मेट है, उनकी क्या अहमियत है। मैं जमील यूसुफ साहब से एक्सपेक्ट करूँगा कि वो हमें बताएंगे पेशावर में जो पीसी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, दहशतगर्दी का हमला हुआ है, उसमें क्या सिक्योरिटी लैप्सेस थे। हम इनिशियली इब्तदाई तौर पे इसको एक केस मेथड के तौर पे, केस स्टडी मेथड के तौर पे ट्रीट करेंगे। फिर मैं अकरम शेख साहब से समझना चाहूँगा कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स की हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या कानूनी तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब जो सेक्रेटरी रह चुके हैं ट्राइबल एरियाज में, फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज में, उनसे मैं समझना चाहूँगा कि सियासी पेचीदगियाँ क्या हैं, सियासी चैलेंजेस क्या हैं। और सबसे पहले मैं स्ट्रेट अवे इसी लिहाज से शुरू करना चाहूँगा जमील यूसुफ साहब से। जमील साहब, आपने इसको एनालाइज किया, इस पर बोल चुके हैं, आपने देखा कि पेशावर में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है, क्या कहेंगे कि बुनियादी तौर पे एक दो तीन चार इसके सिक्योरिटी लैप्सेस थे क्या? ये है कि जितनी आप टीवी फुटेज दिखा रहे हैं इससे तो हमें हमारी सिक्योरिटी बेहतरीन से बेहतरीन हो जानी चाहिए जितनी हाई प्रोफाइल, बट ऐसा लग रहा है मुझे कि ये फुटेज टेररिस्ट देख रहे हैं और अपने अटैक्स को वो हर जगह इंप्रूव करते जा रहे हैं। अब मैं आपको सिमिलैरिटीज दिखाता हूँ। आप आ जाइए मैरियट होटल पर जो इस्लामाबाद में हुआ, वही रात को 8 बजे के टाइम हुआ जब फॉरेनर्स और ये होटल में वापस आ जाते हैं फ्रॉम द डे, उनका अर्ली डिनर होता है, मोस्टली दे आर देयर। आप अगर देखेंगे वो फिल्म तो उसमें भी यही हुआ था। एक डॉक्टर साहब व्हाइट कोरोला में आए, बैरियर्स नीचे गए, डॉक्टर साहब चले गए, बैरियर्स बस उठे थे कि पीछे से ट्रक आ गया। ट्रक थोड़ा स्लाइटली अगर दो एक 1.5 मिनट पहले आता तो वो गाड़ी के साथ ही अंदर घुस सकता था। नेक्स्ट आप आ जाइए 15 पे जो अटैक हुआ, पहले FIA में हुआ तो वो तो गेट इतना कमजोर था कि ट्रक जस्ट ड्रोव इन, उसमें तो कोई इशू ही नहीं था, उससे स्टार्ट हुआ। 15 में क्या देखा आपने कि द मोमेंट उन्होंने ग्राउंड सिक्योरिटी को ओवरपावर किया, आराम से उन्होंने गेट खोला और बड़े मजे में वो चले गए सीधे। किधर भी हमने सिक्योरिटी टावर पे खड़े हुए नहीं देखे ऑफिसर्स। बेसिक चीज ये है कि जहां आप ये हाई प्रोफाइल किलिंग्स आ रही हैं, अब आप एक इंडिविजुअल को नहीं देख रहे हैं जो जैकेट पहन के आ रहा है सुसाइड, अब आ रहे हैं ट्रक्स लेके, वैन्स लेके जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं और उसको वो ब्लास्ट करने जा रहे हैं। तो आपका टारगेट इस गाड़ियों को प्रिवेंट करना। जमील साहब, एक नई चीज भी मैं इसमें इंटरवीन करूंगा, मैं इसमें थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा, आपको रोकूंगा कि एक नया जो इसमें पहलू है कि जो दहशतगर्द हैं वो इनोवेशन कर रहे हैं, वो इसमें क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं। पहले महज दहशतगर्द आते थे, अब इसे कहते हैं उनके साथ एक कमांडो स्टाइल यूनिट होता है इन्फेंट्री का जो अटैक करता है, गार्ड्स को मार देता है। नहीं, गार्ड्स को मार, बिकॉज आप उन गार्ड्स को आप दे रहे हैं नीचे ग्राउंड लेवल पे।
द मोमेंट आप उसको टावर पर बिठाएंगे तो वो आपके जो ये टेररिस्ट है ऊपर टावर पर जाएंगे कैसे? जैसे ग्राउंड फ्लोर पर ब्रीच हुआ तो ऊपर से फायर करके तो आप उनको पहले ही मार देंगे। पिशावर में आप देखिए द ड्राइव वे वॉज ओवर 1500-2000 फीट। अगर आगे कोई गार्ड का टावर होता और देखता है कि ये ब्रीच करके टोयोटा गई है और उसके पीछे से ये ट्रक आया फायर करके तो वहीं मार देते, उनको तो टाइम भी नहीं मिलता पुल करने का ट्रिगर। अच्छा जमील साहब मेरे साथ रहिए, अब तो मेरे साथ रहिए, मैं जरा स्टूडियो में भी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूँ। शाह साहब ये तो हुआ महज इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पीसी के अंदर वो होते, उनके वॉच टावर्स होते, वॉच टावर पे गार्ड्स होते, वहां से हिट करते। सड़कों पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है कि खैबर रोड के ऊपर जहां पे कोर कमांडर की रेजिडेंस के बिल्कुल साथ, जहां पे प्रोविंशियल असेंबली भी है, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, जहां और भी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे एक एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक जिसके अंदर 500 kg RDX एक्सप्लोसिव मटेरियल है, उसके साथ आर्म्ड लोग हैं, ये दंदनाते वहां पे फिर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? दरअसल मैं कहता हूँ कि यही वो सिक्योरिटी लैप्सेस है या लैक्स एटीट्यूड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बिल्कुल सामने प्रोविंशियल असेंबली का वो है, साथ ही हाई कोर्ट है बिल्कुल अपोजिट जो है, और साइड पे जैसे आपने कहा कोर कमांडर का घर है, और जिस तरीके से जमील यूसुफ साहब कह रहे हैं कि इस तरह के सिक्योरिटी पोस्ट जो होते हैं जो रोड के ऊपर, इस तरह इनको टैकल करना आसान होता है, इनके सपोर्ट में इन डेप्थ सिक्योरिटी चाहिए। इसका मतलब है कि पीछे हाई जगह के ऊपर हाई कैलिबर वेपन, चाहे वो मशीन गन हो, चाहे वो आप उसको बफलो स्नाइपर्स गन वगैरह हैं, और इस तरह के सिचुएशंस हमारे अफसर देख चुके हैं सोमालिया में, सूडान में, इससे भी बदतर। और मैं समझता हूँ कि इस एरिया में भी जहाँ बिल्कुल सामने हाई कोर्ट है, अगर आपकी ये सिक्योरिटी है और सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर, वो भी रोड के ऊपर इस तरह के वो करके, मैं समझता हूँ कि इन सारे बिल्डिंग्स में जो तीनों नाम मैंने लिए हैं उसमें सबसे सेफ जो है वो पीसी था, क्योंकि इसका बिल्डिंग जो है वो जिस तरह 1000 गज पीछे करके है, ये तो बाकी जो है रोड के ऊपर है। आप तो ये कहें कि पोटेंशियली पीसी को चूंकि बिल्डिंग पीछे थी इसको डिफेंड करना ज्यादा आसान था। और दूसरा मैं कहता हूँ कि इस पूरे एरिया को अगर लिया जाए और सिर्फ इनके ऊपर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हो तो मैं समझता हूँ कि अनफेयर है। फिर इस एरिया के अंदर एंट्री, फिर उसके बाद कितनी आसानी से हमारे सोसाइटी में ये मिक्सअप हुए हुए हैं, जिसके अंदर मतलब जो आपने बात की कि 500 kg ऑफ RDX और किस तरीके से वो आते हैं और वो किसी जगह के ऊपर चेक नहीं होते, तो ये बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। और मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट हुआ है जो मैं